हेलो दोस्तों, ओडिशा स्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज और एक स्किन लाइटनिंग क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये है कॉजीमैक्स स्किन लाइटनिंग क्रीम। इस क्रीम की प्राइस है 279 रुपीज़ से 50 ग्राम के पैक में आता है। इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी मेडिकेटेड शॉप में भी आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इस क्रीम का यूज़ कब और कैसे होता है। कॉजीमैक्स की स्किन लाइटनिंग क्रीम एक लाइटनिंग क्रीम है, जैसे कि ये आपको डार्क स्पॉट हो, पिंपल्स मार्क हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, फ्रेकल्स हो, ये सब के लिए डॉक्टर आपको इस क्रीम को रेकमेंड करते हैं। अब इस क्रीम की कंटेंट के बारे में जानेंगे। ये कोई हर्बल क्रीम नहीं है, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, केमिकल बेस्ड क्रीम है। जैसे कि इसमें कोजिक एसिड 5% है, विटामिन C 10% है, आर्बुटिन 1% है। आप जानते हैं सब, कोजिक एसिड एक स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है। आर्बुटिन भी आपके स्किन में जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है उसको काफ़ी मात्रा में कम कर देता है। विटामिन C तो आप जानते हैं वो स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है और एक ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। आपके डार्क स्पॉट हो या कोई भी पैच हो उसको फेड करने में काफ़ी मात्रा में हेल्प करता है। अब इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स बारे में जानेंगे। हर कोई चीज़ का इफ़ेक्ट्स भी होता है, बैड इफ़ेक्ट भी होता है, एक गुड इफ़ेक्ट्स भी होता है। हर इसका साइड इफ़ेक्ट्स बारे में जानेंगे। तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आप ये क्रीम यूज़ मत कीजिएगा। स्किन लाइटनिंग के लिए ये क्रीम आप यूज़ ना करें। बस जो भी आपका मेलाज्मा या पिगमेंटेशन हो उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ करें। इस क्रीम को आप बहुत दिन तक यूज़ करने में ये स्किन को ड्राई करता है और स्किन को पील करता है। मतलब जैसे कि आपका स्किन का ऊपर जो होता है क्लियर, वो एकदम पतला हो जाता है, इसलिए आपका स्किन रेड होने का चांस रहता है। आप इसको दिन में यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हैं तो आप इसको रात में ही लगाइएगा, दिन में इस क्रीम को नहीं लगाइएगा। ये क्रीम ग्लूटाथायोन क्रीम जैसा काम नहीं करता है, ये एक ब्लीच जैसा काम करता है। आपके जो पिगमेंटेशन होता है या मेलाज्मा होता है उस दिन के लिए ये ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद ये आपको फिर से दिखने लगता है। इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ये हाइड्रोक्विनोन क्रीम जैसा ही साइड इफ़ेक्ट देता है। अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तभी आप यूज़ कीजिए, पर आप अगर आप स्किन वाइटनिंग या लाइटनिंग के लिए इससे यूज़ करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे इसको यूज़ मत कीजिए। इसको आप 1 से डेढ़ महीना यूज़ कीजिए, उसके बाद आपका अगर प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाए तो इसको छोड़ दीजिए। ये था मेरा आज की रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।